अबे यार, आज का तो पूरा दिन ही उड़ गया। ये कौन पागल आ गया, वो भी इस टाइम। अरे अली भाई, आप अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, क्या हाल चाल है यार। आओ अंदर आके बैठो यार। ये ही रह गया था पूरे दिन में दिमाग खराब करने के लिए, ये भी आ गया। और सुनाओ भाई, कैसी हुई आपकी ईद? यार ईद का तो प्रोग्राम बढ़ गया, बस मत पूछो यार, दिमाग खराब हो गया। यार ये पूरी लंबी दास्तान है, तुम्हारे को सुनाने जाऊंगा बहुत देर हो जाएगी, अगर सुनना चाहते हो तो बताओ। सुनाओ। चलो बताते हैं तुम्हारे। भाई मेरे साथ हुआ ये, क्या सर? भाई सुबह सुबह इतनी बारिश लगी हुई थी और जब मैं मस्जिद के पास गया तो मैंने देखा यार जमात ही निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जब घर पे पहुंचा तो अब्बा के ड्रामे शुरू। ये क्या कर रहा है तू? अब्बा जी, अजीत है? अजीत का पहला दिन है, ईदी दो। भाई मैंने देखा अब्बा छोटे भाई को 1000 रुपए ईदी दे रहे हैं, यानी मेरी दिहाड़ी तो आज पक्की है। अब्बा मेरे को ईदी दो। देखो शर्म नहीं आ रही थी मांगते हुए, इतना बड़ा हो गया, देखो जगह तो अपने छोटे भाई भाइयों को। यहाँ से अब्बा मेरा भी तो हक बनता, मुझे भी ईदी दो। अब कमाने वाला हो गया, अब तू कमाने लग गया। चलो यार, कैसे भी जलील होकर कुछ पैसे तो मिले, इससे कुछ आसरा हो जाएगा। मुझे भी ईदी दो। कौन सी ईदी? आज ईदी है, ईद दो। तेरे को अब्बा ने ईदी नहीं दी क्या? अब्बा तो अब्बा है, आप बड़े भाई, आप भी ईदी दो। चल चल निकल, मैं नहीं दे रहा यहाँ से, ईदी दे दो। दे दो। चल बे। अबे साला शर्म नहीं आई तेरे को, जलील इंसान, छोटे भाई को अपने ईदी दे। अबे यार, इसने तो मेरी आधी ईदी ले ली, यानी मेरी आधी दिहाड़ी तो इसने ही बढ़वा दी। लेकिन भाई अभी 500 रुपए तो बचे ही है ना कुछ तो आसरा हो ही जाएगा। चलो यार चलते हैं अब सीधा जिंगर बर्गर वाले की दुकान पे। अबे यार, ये तो टायर ही पंचर हो गया। चलो शुक्र यार, पंचर वाले की दुकान तो करीब है। भाई अभी कुछ दिन पहले मैंने इसमें नई ट्यूब डलवाई थी, लेकिन दोबारा पंचर निकल आया है। मेहरबानी करके इस पंचर को ठीक कर दो यार। हाँ कर दो भाई, अभी मुझे पैदल तो घर पे जाना नहीं है, यही 500 रुपए थे जो पंचर में बढ़ गए। भाई पैसे देना जरूरी है क्या? पैसों के बिना कोई काम नहीं चल सकता क्या? चलो यार, बुद्धू लौट कर घर पे तो आए, अब टाइम देखता हूँ क्या हुआ है। अब यार 6 बज गए, आज तो पूरा दिन ही रुल गया और भूख भी बहुत तेज लगी है। अम्मी से पूछता हूँ क्या बना है। अम्मी खाने में कोई शीर कोरमा वीर कोरमा पड़ा है तो दे दो यार, बहुत भूख लग रही है। और भाई ये तू बता, पूरा दिन हमारा घर दिया करके आ रहा है, ये नहीं पता घर में छोटा भाई कितना बड़ा अपशी है तेरा। यार भूख लगी है, कुछ खाने को देता यार बंदा, ये अजीब सिस्टम है यार। ये हुआ यार मेरे साथ, पूरा दिन ना रुल गया, इस तरीके से रुला है पूरा दिन मेरा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि अभी तक भूखा ही बैठा हुआ हूँ। तू मेरे पास अभी भी हंस रहा है पूरा दिन? कहानी सुन के ना, इसको मैंने पूरी कहानी सुनाई अपनी और ये मेरे ऊपर हंस रहा है। चलो छोड़ो यार उसको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन का जो बटन है ना उसको क्लिक कर देना, क्योंकि आगे जो ऐसी वीडियो आएंगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।